अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। द्रोणाचार्य बनकर स्पोर्ट्समैन तैयार कर रहा रेलवे का टीसी, रबाले की झोपड़पट्टी में संवर रही होनहार खिलाड़ियों की तकदीर। रबाले के अम्बेडकर नगर झोपड़पट्टी के बीच छत्रपति राजर्षि साहू महाराज विद्यालय में दौड़ लगा रही ये लड़कियां नेशनल स्पर्धा में नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो रही हैं। वेस्टर्न रेलवे के टीसी द्रोणाचार्य बनकर इन्हें प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करते हैं, जिसके दम पर ये खिलाड़ी स्टेट और नेशनल लेवल पर खो खो खेलकर मेडल जीत रही हैं। खिलाड़ी इन सफलताओं का क्रेडिट अपने ट्रेनर प्रताप शेलार को देते हैं, जिन्होंने घर वालों को कन्विंस कर उन्हें स्पोर्ट में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। खिलाड़ी बताते हैं कि इस खेल से उन्हें स्कॉलरशिप और सम्मान दोनों मिल रहा है, जिससे घर वाले भी उत्साहित हैं। मैं यहाँ पे बहुत सब सीखी, बहुत सब सीख मिला है मुझे खेलने के लिए। सर से बहुत कुछ मिला कि कल्चर में कुछ करना है तो कर सकती हूँ। उसकी इच्छा मुझे जागी, मन में उम्मीद हो गई कि हम कुछ बन सकते भी है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, बहुत अच्छा कुछ हम कर सकते हैं आने वाली ज़िंदगी में। किसी और को सिखाना चाहिए, हम सिखा भी सकते हैं। उससे हमें कुछ बहुत फ़ायदा हुआ है और कुछ 5% हम लोग को ऐसे मिल जाते हैं कॉलेज से, स्कूल से भी। लाइफ में हमारा फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा इसमें। इससे हमारा बॉडी फ्री रहेगा और साथ में हमें खेलने का इन्जॉय मिलेगा भी। उम्मीद जागती है, वो भी जाग जाती है। हमें एक ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ बनने का एक इच्छा पूरी हो जाती है कि हम बन सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते भी, कुछ कर सकते करियर में, किसी को सिखाना सिखा भी सकते हैं। आम्हाला इतलं काहीच माहीत नव्हतं जेव्हा स्टार्टिंगला आलो। आम्ही असंच इन्जॉय म्हणून करायचं। नंतर आम्हाला सरांनी, आमच्या प्रताप सरांनी आम्हाला त्याचं पूर्ण सांगितलं कसं असतं वगैरे। मग तेव्हापासून आम्ही आलो, मामांनी सपोर्ट केला, त्यांच्यामुळे आम्ही आज इथपर्यंत आलो। परत सरांनी आम्हाला कसं असं गेम म्हणजे काय त्याच्याबद्दल भरपूर नॉलेज सांगितलं, कसं पुढे जायचं आयुष्यात, आपलं करिअर कसं घडवायचं त्याच्याबद्दल भरपूर काय काय सांगितलं। त्याच्यामुळेच आम्ही आज एवढं सगळ्याजणी स्टेट नॅशनल खेलो इंडियापर्यंत आमच्या पोरी गेलेल्या आहेत। सगळं क्रेडिट आमच्या प्रताप सरांना, मामांना, इतर शिक्षकांना देखील देत आहोत। त्यांच्यामुळेच आम्ही एवढं इथपर्यंत पोचलो। आमच्या घरच्यांचा सपोर्ट नव्हता, तरी देखील सरांनी आमच्या घरच्यांची परमिशन घेऊन घरच्यांना समजून सांगितलं की कसं असतं खेळामध्ये करिअर असतं, खूप तुम्ही पुढं, त्याच्यातून आपल्याला नोकरी वगैरे भेटते असं वगैरे समजून सांगितलं। या कारणामुळे आम्ही इथपर्यंत पोचलो, म्हणून घरच्यांनी आम्हाला जायला परमिशन दिली। आम्हाला शाळेतून शिष्यवृत्ती भेटते, खो खोतून भेटते, आणि आम्ही खूप 5% आम्हाला टक्के भेटतात 10वीला। पुढे येऊन भविष्यामध्ये अजून काय भरपूर काय खेळायचं आहे, आम्हाला पुरस्कार आणायचं आहे, क्लबचं नाव रोशन करायचं आहे। मला खो खोबद्दल काहीच माहिती नव्हतं। मी इयत्ता 7वीमध्ये असताना माझ्या वर्गातले म्हणजे काही जणी खो खोला जायच्या, तेव्हा माझ्याजवळ राहणारी कांचन हलगरे पहिले प्रॅक्टिसला यायची, तिने मला घेऊन आली ग्राउंडवरती। तेव्हा सरांनी मला सांगितलं की रोज प्रॅक्टिसला यायचं। तेव्हा आम्ही पहिल्यांदा वाशीला इथे खेळलो, तेव्हा सरांनी आम्हाला बघितलं होतं, म्हणून आम्ही चांगले खेळायचो, म्हणून आम्हाला सरांनी म्हणजे प्रॅक्टिस घेण्यासाठी मान्य झाले। आणि सर आम्हाला रोज म्हणजे चांगली प्रॅक्टिस करायची। आम्हाला घरात काही अडचणी असल्या तरी सरच आमचे आम्हाला मदत करतात। व्यंग स्पोर्ट्ससुद्धा आम्हाला मदत करतो। आम्हाला रात्री मॅचला उशीर जरी झाला तरी आमच्या घरापर्यंत आम्हाला दादा लोक सोडायला येतात। म्हणजे आमच्या पाठीशी आई वडील कसे राहतात, तसेच आमच्या पाठीशी प्रताप सर, व्यंग स्पोर्ट्स अकॅडमी, परतना मामा राहतात, म्हणून आम्हाला एवढं सगळं काही भेटतं आहे। म्हणून आम्ही आत्तापर्यंत इथपर्यंत आलो आहे। कॉलेज स्कूलमध्ये पण आम्ही चांगले म्हणजे सरांमुळेच मोठं नाव कमवू शकतो आहे आणि आत्ता पण कमवणार आहे। बताना जरूरी है कि खो खो में 14 बार के नेशनल चैंपियन रह चुके प्रताप शेलार इन खिलाड़ियों के द्रोणाचार्य हैं। वेस्टर्न रेलवे में टीसी की नौकरी करते हैं और बाकी समय में प्रतिभावान बच्चों को खो खो सिखाते हैं। प्रताप बताते हैं कि पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने ने यहां ऐसा स्पोर्ट ग्राउंड तैयार करा दिया है, जहाँ हम 150 लड़के और 150 लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनमें से दर्जनों ऐसे हैं जो राज्य स्तर से खेलते हुए खेलो इंडिया खेलों तक पहुंच चुके हैं। खो खो ट्रेनर ने कहा कि झोपड़पट्टी के बच्चे गरीब जरूर हैं, लेकिन उनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा है और हम इस जज्बे को जीत में बदलना चाहते हैं। खिलाड़ियों में कई ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पर खेलने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन खो खो फेडरेशन में राजनीति के चलते वे नहीं खेल पाते। उम्मीद है
खेल फेडरेशन ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएगा ताकि उन्हें प्रोत्साहन देने वाले प्रताप शेलार जैसे द्रोणाचार्यों की मेहनत बेकार ना जाने पाए। मैं खाली खोखो के प्रचार के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ का एरिया देखा, जो गरीब देखा, इन परिस्थिति इनकी देखी, बहुत मतलब ख़राब थी। फिर मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ तो करता हूँ। फिर सोनू ने सांप का काम देखा यहाँ पे, एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्थान है। सोनू ने सांप की जो जिस तरह इन्होंने बनाया वहाँ पे, वही देख के मैंने सोचा कि ये लड़कों को जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट में कुछ हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ सीखने को आया। नहीं, एक्चुअली मैंने सर खाली इनकी परिस्थिति देखी और मुझे वो लगा कि इनके लिए कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि सेक्टर में मैंने देखा कि सेक्टर में सभी लोग मैच्योर्ड है, पैसा वगैरह है, लेकिन यहाँ पे ये लोग खाना भी ठीक से खा नहीं रहे, तो मुझे लगा कि ये लोग के लिए कुछ तो करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सीखने को आया। मैं एक्चुअली पहले से दूसरे गेम भी खेलता था, क्रिकेट, फुटबॉल, लेकिन खो खो में मेरे एक सर थे, उनके वजह से, कार्यकर सर के वजह से मैं यहाँ पे आया। फिर मेरे खो खो में करियर होना स्टार्ट हो गया, तो मैंने खो खो ही चुना। फिर मैं 2000 से खो खो खेल रहा हूँ। 2000 से मैंने अब तक बहुत से यूनिवर्सिटीज़, सीनियर नेशनल, फेडरेशन नेशनल, वेस्ट जोन नेशनल, करीब 14-12 तक ऐसे खेले, और उसके लिए बहुत मतलब मेरा विहंगा क्रीड़ा मंडल है, जो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, सब उसका श्रेय है, विहंगा क्रीड़ा मंडल का वहाँ पे। और यहाँ पे मैं सीखा था, उनका मुझे बहुत सपोर्ट था, क्योंकि मैं अकेला इतने बच्चों को नहीं सिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे 150 के ऊपर लड़के और लड़कियाँ हैं, तो वहाँ के नेशनल प्लेयर एकलव्य अवार्ड, मनोज, रंजन शेट्टी, रविराज कानी बांगर, ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे सब सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह, खुद का टाइम वेस्ट करके यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, विदाउट पैसा फुल फ्लो में काम कर रहे हैं। यहाँ स्कूल में कम से कम 7 नेशनल हुए अब तक, उसमें से 2 खेलो इंडिया खेले हैं, और सब मतलब मेरे पूरे करियर में देखा तो मैंने 40 के ऊपर नेशनल किए, उसमें से छत्रपति अवार्ड एक को मिला है, एक को एकलव्य अवार्ड मिला है, ऐसे 2 लड़के और 2 भारतीय के खिलाड़ी भी तैयार किए मैंने। एक्चुअली स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो मैं मतलब सेक्टर में सीखा था, तब मेरा मेंटेलिटी ऐसा रहता है कि स्पोर्ट्स खाली 7 से 9 बजे तक खेले, क्योंकि वहाँ पे देखा कॉलोनी में जो लड़के बहुत ही सिगरेट दारू के पीछे भाग रहे, वो टाइम उनका स्पोर्ट्स में जाता है। वैसे यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ तो थोड़ा मेरा मेंटेलिटी चेंज होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स में जॉब के हिसाब से देख रहा हूँ, स्कॉलरशिप के हिसाब से देख रहा हूँ। अब ये लड़कियाँ नेशनल खेल रही है, स्कॉलरशिप चालू है कंटिन्यू, मतलब कॉलेज की फ़ी वगैरह सब फ्री में मिल रहा है, तो ये फ़ायदा हो रहा है स्पोर्ट्स से ये लोग को यहाँ पे आके। मैं सभी यहाँ पे झोपड़पट्टी एरिया के लड़कों को और लड़कियाँ पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हम लोग सीखा रहे सोनू ने साहब, यहाँ पे जो किया है, जो यहाँ पे एक महल जैसा ग्राउंड तैयार किया है, तो आप इसका फ़ायदा लो, क्योंकि कॉलोनी में कुछ नहीं मिल रहा है। मैं 15 साल से यहाँ पे खो खो सीखा रहा हूँ कॉलोनी में, लेकिन कुछ भी अब तक मतलब खुद का ग्राउंड भी नहीं है हम लोग का, और मेरे पास 35 से ऊपर गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के हैं जो मेरे स्टूडेंट है, उसमें से 17 पुलिस है, मंत्रालय BMC में जॉब में है, लेकिन यहाँ पे साहब ने जो खड़ा किया वहाँ पे आप आओ, इसका फ़ायदा लो, जॉब मिल सकते हैं आपको, एक मतलब स्टडी के अलावा एक ऑप्शन मिल सकता है कि आप जॉब, बस बाकी कुछ नहीं, जो भी मिल रहा है वो सोनू ने साहब से मिल रहा है, बाकी हम लोग को सरकार से भी कुछ सपोर्ट नहीं है। लास्ट टाइम से हम लोग लड़के लड़कियाँ बहुत अच्छी तरह स्पोर्ट्स में, हम लोग महाराष्ट्र में बहुत अच्छे पोजीशन पे है, लेकिन हम लोग के राजकारण के वजह से, स्पोर्ट्स के राजकारण, हम लोग से बहुत सारी लड़कियां नेशनल नहीं खेल पा रही है, मतलब उनकी क्वालिटी होते भी वो लोग ऊपर के लेवल नहीं खेल रहे जी। मतलब मेरे हिसाब से तो स्कॉलरशिप बहुत जन को मिलनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर सभी को नहीं मिल रही है स्कॉलरशिप यहाँ पे। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप खो खो फेडरेशन पे थोड़ा ध्यान दो, और जहाँ पे कुछ ऐसा राजकारण राजकीय हो रहा है वहाँ पे थोड़ा ध्यान देके क्लियर करो बातें सभी। गौरतलब है कि प्रताप शेलार जैसे कई द्रोणाचार्य हैं जो प्रतिभावान खिलाड़ियों को विजेता बनाने में जुटे हैं, लेकिन सच ये भी है कि खेल फेडरेशन में राजनीति के चलते तमाम खिलाड़ी इन अवसरों से वंचित रह जाते हैं। उम्मीद है खेल फेडरेशन ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएगा ताकि प्रताप शेलार जैसे द्रोणाचार्यों की मेहनत बेकार न जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।